हेलो एवरीवन, हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ढेर सारी खुशी आप सभी को। इसी तरह पूरी जिंदगी भगवान कृपा से मुँह मीठा होते रहे आप सभी को। मैं अनीता सिंह, यूट्यूब चैनल अनीता की जिंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज ही हमारे यहाँ मकर संक्रांति 14 तारीख 14 जनवरी को हमारे यहाँ नहीं मनाया गया था, क्योंकि हम लोग चलते हैं पत्रा से। हमारे जो पंडित जी होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो बताए कि 14 तारीख की शाम में शायद जो होता है तिथि वो आ रहा था। इसी वजह से हम लोग सुबह में नहीं मनाए। हम लोग रविवार को यानी 15 तारीख को हम लोग मनाए हैं आज मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति के दिन हम लोग सुबह में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद कुछ दान होता है, अपने मालिक को याद करके, अपने भगवान को पूजा करके। जितने घर में हमारे कुल देवता होते हैं सबको पूजा होती है। और जो ब्राह्मण आते हैं पहले उनको हम लोग खिलाते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग घर की कोई सदस्य खाते हैं। और स्नान करने के बाद हम दान देते हैं। और दान में करने के बाद जो होता है तिल गुड़, तो तिल गुड़ हम लोग मुँह में लगाते हैं यानी खाते हैं। और पूरे दिन हमारी चूड़ा दही चलता है। और जितने हमारे घर में लोग आते हैं, आसपास के लोग, सबको हम लोग चूड़ा दही खिलाते हैं, तिलकुट खिलाते हैं, तिल गुड़ खिलाते हैं। और एक किस्म का ये जो मकर संक्रांति हम दान देते हैं, इसका दान की महत्व बहुत ज़्यादा होता है। दान हर किसी को करना चाहिए। दान की मतलब कि जो आपसे कमज़ोर है उसको थोड़ा सहयोग कीजिए। हमारी कोई भी धर्म यही सिखाता है कि हमारे भाईचारा है, समाज में सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। कितना भी ऐसे हम आपस में मुट रहते हैं, पर हमारे पर्व त्यौहार होता है तो हम आपस में एक हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ हम जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, हमारा लेन देन होता है। तो यही तो हमारे जो पर्व हो या हमारे त्यौहार हो, चाहे हमारे जो एक संस्कार है जो सामाजिक होता है, वो हमारा यही तो सीख देता है कि हम पर्व त्यौहार दिन एक हो जाते हैं। तो यहाँ हमारी लाइव बन रही है, जो कि मकर संक्रांति के दिन ये बहुत उत्तम माना गया है। इसको हम लाइव को बनाना या खाना, एक ये भी तो हमारे हिंदू धर्म में पर्व है। तो पर्व के दिन हम तिल की लाई बनाते हैं, और जो दाना होता है यानी चावल होता है, तो चावल को भूनकर हम लाई बनाते हैं। तो अब भी तो हमारे यहाँ ये भुना हुआ चावल नहीं है, हमारे यहाँ खरीद कर चावल इस समय आया हुआ है। क्योंकि पहले के लोग थे तो घर में जो मुढ़ी होता है, इसका जो दाना के चावल होता है, वो घर में लोग बनाते थे। यही मेरी सासू माँ बनाती थी, खुद बनाती थी, पर अब ये नहीं बन रहा है। जो भी है वो खरीद कर आता है। तो मैं बाहर रहती थी तो मुढ़ी की जो चावल होता है, चावल ही खरीद कर, और जो भुनने वाले होते थे वहाँ मैं भुनवा लेती थी और घर में अपना लाई बना लेती थी। तो ये मेरा पहला लाई है यहाँ का, मैं अपने हाथों से ये पहली लाई बना रही हूँ। इतना साल मेरे शादी का हो गया, मैं कभी इस मकर संक्रांति में यहाँ नहीं आई हूँ या नहीं रहती थी। और ये भी अपनी अकेली ही मेरी सासू माँ रहती थी, चाहे इनकी लड़की रहती, लोग साथ में तो अपना ही बनाती थी। चाहे गांव में ऐसे होता है, आसपास की पड़ोस लोग होते हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और साथ मिलकर सब हम बना लेते हैं। तो अभी तो साथ में हैं तो हम दोनों ही मिलकर बना रहे हैं। और ऐसे हम एक किसी और के इन्वाइट किए हैं, तो देखिए यहाँ आती हैं या नहीं आती हैं। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि दूसरे को और यहाँ बुला लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि 4 केजी मेरा जो मुढ़ी था वो 4 केजी था, पूरा एक्स्ट्रा था। तो इसमें जब लाई बनाते हैं तो 2-3 लोग रहते हैं साथ में, तो ज़्यादा आसानी से आराम से हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा है मेरा मुढ़ी। और थोड़ा बहुत रहता 1 केजी 2 केजी रहता है तो अकेले भी हम बना सकते हैं, क्योंकि जो इसमें का पाग होता है गुड़ का, पाग को पहचानना बहुत बड़ी बात होता है, सबकी पहचान में नहीं आती है। तो मैं भी जो भी सीखी हूँ गुड़ का पाग बनाना है, अपनी सासू माँ से ही सीखी हूँ, क्योंकि हमारे मायके में हमारी माँ थी, ये सब बहुत कम बनाती थी, बस पर्व में ही बनता था। और जो गांव में हमारी जो दादी थी, तो दादी को ही घर में बुलाया जाता था पाग को पहचान करने के लिए, क्योंकि उनका जो पहचान था बहुत, एक होता है ना कि कोई चीज़ की निशाना, तो उनको बहुत सॉलिड निशाना था जो गुड़ का पाक बनाना या पहचानना, तो बनाती थी। तो उन्हीं को माँ मेरी बुलाती थी, और हमको नहीं आता था मायके में जब मैं थी तो, कि लाई बना ले या तो ससुराल आई तो देखी इन्हीं की, 1-2 साल थी तो ये इन लोग बना रही थी, तो मैं देख कर ही सीख गई। और ऐसे भी हमारी यूट्यूब जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली हर चीज़ की वीडियो डालते हैं, तो मैं देख कर उसी से सीखी हूँ। तो अकेले मैं बना लेती थी, और हम लोग साथ में हैं तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मिलजुल कर कोई काम करते हैं तो बहुत उसमें
आनंद भी मिलता है और लगता है कि हमारा एक सपोर्ट भी हो जाता है फैमिली के साथ रहते हैं तो। गोठे के यहाँ आग पर बनाना ये बहुत एक बड़ी बात ही इसको कहिए, क्योंकि इसमें जो आग होता है बहुत कम बेसी होता है। जब कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा लो होने लगता है तो हमारा जो गुड़ है जलने की भी डर रहता है। जब गैस होता है तो उस पर हम कम कर देते हैं। तो इसको आग को इधर से उधर कर रही हैं कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए। तो इसको ही पहचानना बहुत एक ध्यान की बात होता है। तो यहाँ पानी में डालकर वो अपने गुड़ को पहचान रही है कि इसका पाग हो गया है कि नहीं हो गया है। और मैं बैठकर उसको मुढ़ी को अच्छे से अपने हाथों से मसल मसल कर, जो उसमें बालू होता है, क्योंकि जो मुढ़ी का दाना होता है वो मुढ़ी हमारा हमारे यहाँ दाना बोलते हैं और हमारे भोजपुरी में चबेनी ही बोलते हैं। जो मुढ़ी है उसको बाल में भूनते हैं लोग, तो एक एक बाल उसमें रह जाता है। कितना भी अच्छे से लोग बनाते हैं फिर भी हम घर में इसको अच्छे से साफ़ सुथरा इसको करके बनाते हैं। बनाते मतलब इसको इधर से उधर हाथों से अपना हथेली से रगड़ देते हैं तो जो बाल होता है नीचे में बैठ जाता है और ऊपर से मुड़ी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो पाग है गुड़ का वो बन चुका है यानी तैयार हो चुका है। तो हम यहाँ डाल दिए अपने मुड़ी में और मुड़ी में डाल दिए। वो सासू माँ मेरी पकड़ी हुई है कि इधर से उधर चिपके नहीं। अतः हम छलनी से लेकर इधर से उधर चला देंगे। चलाते चलाते इसको अच्छे से बारीक से इसको हम पहले छलनी से फेंट लेंगे, क्योंकि इसको फेंट लेंगे तभी इसमें से जो गुड़ का जो इति होता है जो अंदर से निकलता है एक रेसा रेसा जैसा अच्छे से निकलता है। तो हमारा जो दाना है बहुत सॉलिड चिपकता है और गोल 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 बन जाता है, नहीं तो इधर से उधर बिखरने लगता है। तो यहाँ हम मिला दे रहे हैं इसको और तब तक उधर वो अपने गुड़ की दूसरी पाक रख दी है गुड़ को तैयार होने के लिए। यहाँ हम मिला रहे हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम गोल गोल अपने हथेली से उसको दबाते हुए धीरे धीरे उसको गोल गोल कर लिए। तो हम लोग बना रहे थे तो बनाते बनाते देखिए हम इनवाइट किए थे अपनी जो हमारी ससुर हैं उनकी छोटे वाले भाई की लड़की हैं यानी हमारी ननदी लगेंगी। तो देखिए वो आ गई बनवाने के लिए, क्योंकि इसमें दो तीन लोग होते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है और सही होता है। एक लोग बनाते हैं तो दूसरे, देखिए हम तीन लगे हैं वो गोल गोल बना रही है। मेरी सासू माँ यहाँ पाक कर रही है और मैं जो दाना है उसको इधर से उधर करके जो बाल होता है इसमें से हम निकाल रहे हैं। ऐसे निकाल देने से क्या होता है, हमारा जो दाना है साफ़ हो जाएगा और सूप में, क्योंकि ये बालों में होता है तो थोड़ा काला काला सा एक उसमें हो जाता है। तो इसको इसमें से निकाल दे रही हूँ। तो हम तीन लोग हैं तो तीनों लोग काम में लगे हुए हैं और आपस में हम बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, हर पर्व त्यौहार अच्छा लगता है। हर पर्व त्यौहार की एक अलग अलग जो व्यंजन होता है खाने वाला या पकवान होता है तो अलग अलग होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, गुड़ होता है, तिल होता है, लाई होता है और हमारा जो पट्टी होता है, पट्टी होता है, पट्टी मतलब यानी जो हम बनाते हैं गुड़ और जो मूंगफली हो गया, मूंगफली का तो पट्टी हो गया, ये सब हमारे या मिठाई हो गया, मिठाई में हमारा जो तिलकुट होता है तो तिलकुट होता है। तो ये हमारे जो पर्व है इसमें सिर्फ मीठा ही मीठा चीज़ होता है, क्योंकि मीठे वाले जो हमारा जो मकर संक्रांति होता है वो रात में हम बनाएंगे, शाम में खिचड़ी होता है पोंगल। तो पोंगल आज की जो भी बनता है बहुत उसमें स्वाद होता है, पता नहीं इतना कहाँ से स्वाद आ जाता है। हमारे जो जो भी पर्व त्यौहार होता है उस दिन
खाने वाला चीज़ बनाते हैं तो उसमें स्वाद एकदम उभर कर आता है अन्य दिन से, उस दिन गजब से स्वाद उसमें होता है। तो यहाँ पागो बना रही है और दूसरी पाग बन रही है हमारा। कोई चीज़ बनाते हैं तो पहले ब्राह्मण को निकालते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो हमारा जो लाई बना उसमें से हम निकाल कर 8-10 निकाल कर ब्राह्मण को रख दिए देने के लिए, कि जिस दिन हम स्नान करेंगे, जिस दिन हमारे मकर संक्रांति होगा उस दिन हम यानी दान करेंगे। तो दान देने के लिए 10-11 इसमें से हम निकाल दिए। तो हमारे देखिए दूसरी पाग हो गया, दूसरी बार हम बना रहे हैं इसको। इसी तरह थोड़ा थोड़ा कर कर बनाते हैं, क्योंकि जो मेरा डब्बा है बहुत छोटा है, ऐसे बड़ा कंटेनर रहता है तो एक बार या दो बार में ही तैयार हो जाता है। लगता है हमारा 2-3-4 बार हुआ थोड़ा थोड़ा करके। तो हम दान करने के लिए कुछ भी होता है तो हम पहले निकाल देते हैं। तो पहले हम लोग 10-12 लाई निकाल दिए, फिर उसके बाद मेरी जो चूड़ा हुआ तो उसको भी हम पहले से निकाल कर अलग हम रखते हैं। तो यहाँ पानी लेने के लिए मैं आ गई और जो मेरी ननद है वो अपना मिला रही है। तो आप देख सकते हैं कैसे हम तीनों यहाँ पर दाना के लाई बनाने के लिए हम परेशान हैं। तो देखिए जितने इसमें लोग रहते हैं उतने ही इसमें काम हो जाता है, एक दो लोग और होते तो उन लोग को भी काम मिल जाता है, क्योंकि लाई ऐसी चीज़ है, क्योंकि थोड़ा सा बनाना है नहीं एक्स्ट्रा बनाना है, तो इसमें ज़्यादा लोग होते हैं तो आसानी से होता है। तो देखिए कैसे टपाटप ये अपने हाथों से अपनी हथेली से दबा दबा कर ये बना रही है। तो देखिए इतना सारा बनकर तैयार हो गया और ये पूरे दिन उस दिन जिस दिन मकर संक्रांति होगा यानी हमारे यहाँ तो 15 तारीख को बन रहा है तो मैं बताई हूँ अपनी वीडियो में, उस दिन एक सब खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लाई तैयार होने के बाद में सब कुछ हम लोग कर दिए, ब्राह्मण को निकाल दिए दान देने के लिए। तो यहाँ वो टेस्ट कर रही हैं, तो टेस्ट कर रही तो मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, तो बोल रही हैं देखिए मेरा वीडियो बना रही हूँ, हंस रही हैं और खा रही हैं, क्योंकि टेस्ट किया जाता है मान लो कैसा है कोई चीज़ का जो स्वाद होता है उसको टेस्ट करना सबसे ज़रूरी होता है। तो वहाँ वो टेस्ट करने लगी। तो देखिए मकर संक्रांति के दिन यानी आज मैं यहाँ आलू गोभी और जो छेमी होता है मटर की टमाटर की सब्जी यहाँ मैं बना रही हूँ। आज इतनी स्वादिष्ट सब्जियाँ बनती है, इसमें इतनी सुंदर खुशबू आती है, एक बार आप सब भी खाए होंगे आज का दिन का कुछ और ही सब्जियाँ होती है या कोई चीज़ होता है। तो हमारी सब्जियाँ बनकर तैयार हो गया है और हम लोग पहले ब्राह्मण को खिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पंडित जी हमारे घर में आ चुके हैं, अभी अभी आ रहे हैं, तो मेरी सासू माँ उनको खाना देने के लिए यानी चूड़ा दही और गुड़ और सब्जियाँ हम इनको नहीं देंगे, क्योंकि ये नहीं खाएंगे, क्योंकि लहसुन प्याज ये नहीं खाते हैं, सिर्फ बिन लहसुन प्याज वाली सब्जियाँ खाते हैं। तो यहाँ गुड़ दे रहे हैं और हमारा जो लड़का है आप देख सकते हैं अभी अभी वो स्नान कर रहा है दान देने के लिए। तो यहाँ हमारे पंडित जी खा रहे, मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलती हूँ अगली।